हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्ट्री बाय मेहर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो नेल आर्ट वाली नहीं होने वाली है, नेल आर्ट रिमूवल की वीडियो होने वाली है। जी हाँ, मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने 1 मंथ पहले मुझसे नेल आर्ट करवाया था, जेल एक्सटेंशन था ये, बिल्डर जेल। तो 1 मंथ के बाद आप देख सकते हो कितनी ग्रोथ हो गई है, और नेल आर्ट, नेल पेंट, हमारा एक्सटेंशन इंटैक्ट है, कुछ भी गया नहीं है। बस इनका जो हमने ग्लिटर वाला जो फिंगर है ना, उसमें थोड़ी सी थोड़ा कलर लग गया है, यानी किचन में जो हम काम करते हैं ना, तो वो हल्दी वल्दी सारा लग जाता है, बस वो ही चेंज हुआ है, बाकी इंटैक्ट है सब कुछ। तो आज हम इनका जेल रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं आज ये शील्स प्रोफेशनल की नेल ड्रिलिंग मशीन। तो ये बहुत ही अच्छी नेल ड्रिलिंग मशीन है, इससे सारा जो प्रोडक्ट है वो ईजिली बिना स्किन को, बिना नेल को हार्म पहुँचाए निकल जाएगा। तो हम 1 by 1 नेल से इस तरीके से रिमूव करेंगे। तो जो बिगनर होते हैं, जिनको ड्रिलिंग में प्रॉब्लम होती है ना, वो मेरी वीडियो को देखेंगे ध्यान से, तो उनको समझ में आएगा। मैं अभी डिटेल में बताने वाली हूँ हमें किस तरीके से ड्रिल यूज़ करना है, उसकी स्पीड फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, और ये वाला जो सिलेंडर शेप जो हमारा प्लास्टिक बीट है वो हमें यूज़ करना होता है, ना कि जो जो क्या बोलते हैं सैंड बीट होता है ना, वो हमें यूज़ नहीं करना होता। उससे थोड़े नेल जो हैं वो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाता है, तो आपके क्लाइंट को थोड़ा सा वो हर्ट कर सकता है। तो इस तरीके का प्लास्टिक बीट आता है, ये हमें ये मशीन के साथ नहीं मिलता है, ये हमें अलग से बीट लेनी पड़ती है, कुछ 250 से 300 की एक बीट होती है। तो आप इजीली अपने कॉस्मेटिक स्टोर से या जहाँ से आपने बीट मशीन, ड्रिल मशीन ले रखी है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सारा जो जेल है, जितना भी प्रोडक्ट है, वो रिमूव कर लेंगे। जेल रिमूव करने का एक और प्रोसेस भी होता है, जेल रिमूवर लगा करके, वो भी उतना ही टाइम लेता है जितना ये प्रोसेस टाइम लेता है, बट मैं कहूँगी कि ये प्रोसेस उससे थोड़ा सा फास्ट है, बिकॉज वो लगा के हमें वेट करना होता है 15 to 20 minutes। उस बीच आप क्या करोगे, तो उसके बाद भी वो एक बार में पूरा निकलता नहीं है, उसके बाद वापस से हमें जेल रिमूवल जो हमारा रहता है वो अप्लाई करना होता है, और वापस से हमें 10 मिनट वेट करना पड़ता है। तो वो आधे से एक घंटे का प्रोसेस होता है, बट इन ड्रिल मशीन वी कैन डू इट इन 10 मिनट्स, और सेफ है ये काफ़ी, मतलब। और अगर आप बिगनर हो, अगर आपको डर लगता है नेल ड्रिल मशीन चलाने में, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस तरीके से जो भी हमारा नेल पेंट वाला एरिया है ना, जो जेल पेंट, जेल पॉलिश हमने अप्लाई की थी, वो आप ड्रिल मशीन से निकाल लो, और बाकी का जो है वो एमरी बोर्ड के थ्रू आप निकाल सकते हो, यानी जो हमारा हैंड फाइलर होता है, सैंड फाइलर जो होता है, उससे आप निकाल सकते हो। तो वो भी एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और दूसरा वो सेफ भी रहता है, बट अगेन उसमें क्यूटिकल थोड़ा सा हर्ट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मुझे ये काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, और काफ़ी फास्ट प्रोसेस भी लगता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पे 5 speed या 6 speed में इसकी फ्रिक्वेंसी रखी है, और मैं बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, कम प्रेशर के साथ इस तरीके से नेल के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारा कुछ रिमूव कर दूंगी। इस वीडियो में समझने वाली बस इतनी सी बात है कि आपको, आप जब तक ड्रिल मशीन चलाने में बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो जाते, आप ये रिस्क ना लें, और बिल्कुल अपने क्लाइंट के नेल को ज़रा भी हर्ट ना करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा निकालें। लास्ट में अगर 10% 20% प्रोडक्ट रह भी जाता है तो दैट इज़ ओके, आपको पूरा नहीं निकालना है, कि आप ओरिजिनल जो हमारा नेचुरल नेल है वो तक आप पील कर दो, वो काफ़ी हॉरिबल होता है। तो आप एक काम करना, जितना भी प्रोडक्ट है वो निकाल देना, और जो नीचे एक पतली सी लेयर होती है ना, जो हमने बेस कोट लगाया हुआ होता है, वो आप छोड़ भी सकते हो, वो फाइलर से थोड़ा मोड़ा चला जाएगा, और बाकी आप ऐसे ही छोड़ देना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आप नेचुरल नेल पे ड्रिल मशीन बिल्कुल मत चलाना, आप क्लाइंट को हर्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल लाइट प्रेशर डाल के हम ड्रिल मशीन चलाएंगे, नेल ड्रिल, और सारा प्रोडक्ट 1 by 1 हम फिंगर से रिमूव कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ,
और अगर कोई क्वेरीज है नेल आर्ट या रिमूवल के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेरीज का आंसर करूँगी। तो फटाफट से हम सारे नेल से जो है हमारा प्रोडक्ट वो रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। आप ऐसे अपने क्लाइंट को जाने नहीं दे सकते, बिकॉज ऑब्वियसली एक महीने से हमारे नेल के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, वो रिमूव करने के बाद हमें उसे नरिश करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी रिमूवल के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नेल को थोड़ा सा गैप दो, एक दो दिन का या वन वीक का गैप दो, उसके बाद आप वापस से सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। एनीवेज अगर क्लाइंट को तुरंत रिमूव करवा के नया प्रोडक्ट लगाना है तो आप उन्हें मना नहीं करोगे, आप उन्हें डेफिनेटली लगा के दोगे और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप 1 to 2 days या 1 week के लिए अपने नेल्स को जो है वो रेस्ट दे सकते हो, देन उसके बाद हम वापस से प्रोडक्ट अपना फिल कर सकते हैं, चाहे आप जेल लगाओ या एक्रिलिक। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सारे फिंगर से हमने प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर दिया है। बिल्कुल पतली पतली सी लेयर मैं छोड़ दूंगी, एकदम से हम पूरा रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो नेचुरल नेल पे भी हमारा ड्रिल जाएगा, जिससे कि हमारे नेल और पतले हो सकते हैं। हमने इनके फेक नेल एक्सटेंशन नहीं किए थे, तो हमें यहाँ पे फेक नेल को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जेल ओवरलेस था, यानी कि नेचुरल नेल पे हमने प्रोडक्ट अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मैं बस इनके जो नेचुरल नेल हैं उसको थोड़ा सा शेपिंग दे दूँगी, जो भी मतलब थोड़ा सा हार्श हमारा एज वगैरह होगा वो हम स्मूद आउट कर लेंगे, और पूरे जो नेल बेड का एरिया है वो मैं अच्छी तरीके से फाइल कर लूँगी, और जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है वो सारा रिमूव कर लूँगी। थोड़ा मोड़ा 10-5% प्रोडक्ट अगर रह जाता है नेल पे, तो वो हम वैसे ही छोड़ देंगे, वो अपने आप लेंथ के साथ में निकलता जाएगा, या आप शार वगैरह लोगे तो वो बाद में निकलता जाएगा। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा इनके नेल को शेप दे दूँगी, एक बार एम्ब्री बोर्ड से और एक बार मैं ब्लो बफर से इसे अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर दूँगी। देन हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। शेपिंग, फाइलिंग, रिमूविंग सारा कुछ हो गया है। अब जितना भी प्रोडक्ट हमने, जो हमारा डस्ट था वो हम डस्ट ऑफ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लो बफर ले रही हूँ, यानी सॉफ्ट बफिंग करेंगे और एजेस स्मूथ करेंगे। नेल के ऊपर जितना भी स्क्रैचेस पड़ा हुआ है एम्ब्री बोर्ड का वो हम रिमूव करेंगे। अपने सरफेस, जो हमारा नेल का सरफेस है, वो बिल्कुल स्मूद आउट करेंगे। देन एक बार अगेन सारा कुछ डस्ट ऑफ करूँगी मैं। अब बारी है हमारे नेल को नरिशमेंट देने की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शील्स प्रोफेशनल्स का क्यूटिकल ऑयल। आप बिल्कुल भी ये स्टेप जो है वो स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट के बाद जब हम रिमूव कर रहे हैं तो नेल काफ़ी ड्राई हो जाता है, तो उसे हमें नरिश करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके का ऑयल आता है, आपको नेल पे, क्यूटिकल पे सारा कुछ अच्छी तरीके से लगा करके अपने क्लाइंट को तब आप घर भेज सकते हो। तो ये रही गाइज आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।